सोलह हफ्ता है लड़ना नहीं मुझसे, सारा दिन आप लड़के गुजारे हैं। बल्ले बल्ले, किसी की बर्बादी होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? सुने ढोल की थाप कितनी मजे की लग रही है, मतलब कि अंदर ना झूम जाता है, दिल करता है कि बंदा सिर्फ डांस करता रहे। और जनाब भी डांस कर रहे हैं, कह रहे हैं जा जा लेके जा बरात, तेरी जड़ा ना बर्बादी दे दिन शुरू हो गए। तो है सही बात है, शादी और बर्बादी दूसरों की अच्छी लगती है, अपनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या करे इंसान, दिल भी करता है शादी का लड्डू खाने को, बट चलते ही रहता है। तो बड़ी मजा आ रही है, जिन्हें लड्डू खाया वो भी पछताया, जिन्हें नहीं खाया वो भी पछताया। पछताना है ही, चलो खाओ की पछता लियो की होंदा की है, लाइफ इज के की ट्विस्ट आन देन। चलो जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, और बहुत ही मजे की वीडियो आने वाली है। मैं थोड़ा डांस कर लूं, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है साथ में, सुबह सुबह तो मेन ये होता है एक, मतलब कि मोटर ऑन करके सारी सफाई करानी, और साथ में जो है दूध आ गए हैं वो बॉयल किए हैं। और आज चूंकि संडे था, अम्मी हर संडे को जाती हैं बाजार, और अभी भी मतलब गई हैं, छोटे भाई को उन्होंने भेज दिया सामान लेके, तो चले जी सामान जो है ना सेट करने की ड्यूटी हमेशा से मेरी रही है, आज भी मेरी ही है, तो चले जी वो सेट करते हैं हम। साथ अम्मी ने जो सामान भेज दिया है, मैंने कहा कि उनके आने से पहले जल्दी जल्दी जो है ना अच्छे से वॉश करके मैं कर दूं जी साइड पे, ठीक है। और शलजम मम्मी लेके आई होंगी मेरे लिए, क्योंकि कच्चे जो है ना ज्यादा मैं खाती हूँ शौक से, कच्चे शलजम, और जो कच्चे होते हैं ये गाजरे, नहीं गाजरे टमाटर पन्नी हो गया इनका मैं वॉश करूंगी। टोकरी मैंने, अम्मी ने ऐसे ना टोकरियां बनाई हुई है, उनमें ऑर्गेनाइज करके रखती हैं ताकि हर चीज नजर आए। वो सिस्टम नहीं है कि जैसे अंडे में आधा टमाटर का पीस पड़ा हुआ, आधा अदरक का, आधा टमाटर केचप का, वो सीन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसे है। तो चलें जी वॉश आउट में जो है ये मैंने थोड़ा बहुत सेट कर दिया है, अदरक और जो जो चीज मुझे मिली है, असल में कुछ सेटिंग जो है ना मैं खो बैठी हूँ, मतलब कि बिल्कुल ही यादाश्त कमजोर हो गई है। चलें जी इसको रखते हैं, फ्रूट जो है वो सेट हो गया, इसको अब उठा के रख देते हैं हम अपने फ्रिज में। मेरा कारनामा है कि मैं प्याज खोलने लगी थी और वो सारे जो है खराब हो गए। बाकी तो होगी सारी सेटिंग, ये जो है ना इसको करना है सेट, इसको रखते हैं। जी तो अम्मी गई है बाजार, साथ में ही मेरा रेशमी सूट था, ठीक है, सितारों का ऊपर काम हुआ हुआ, एम्ब्रॉयडरी हुई है बहुत ही मतलब नाइस सा। इसके साथ की शमीज नहीं थी, ठीक है, वो मैंने मंगवा ली है साथ में, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना शमीज का जो है कपड़ा बहुत ही आला किस्म का ब्लैक कलर में ले लिया है। और साथ में जो ये ड्रेस है ना, आज सुबह उठ के मैंने सारे जो है, सबसे पहले उठ के मैंने इनको किया है करते हैं वो की है, अच्छा मैं बताती हूँ। और साथ में जो ये दुपट्टा है ना, इसको ये पिको कराई है ऐसे ब्लैक व्हाइट में, देख लें व्हाइट एंड ब्लैक में पिको करा ली है, क्योंकि दुपट्टे में भी व्हाइट एंड ब्लैक कलर का काम था, ठीक है। सुबह उठ के मैंने सारे कपड़े श्रिंक किए हैं अच्छे से, और मैंने कहा कि आप दे दूं, क्योंकि वो भी जारी बात है काफी ज्यादा टाइम लगा देती हैं इसलिए। साथ में मम्मी समोसा लेके आई हैं, और इधर जो है मलकवाल में फेवरेट, मोस्ट फेवरेट जो है ना एक जगह से मिलती है, अब मुझे समोसा खाने से बहुत ही मजे के मैं जा रही हूँ। चलिए जी आज हम लोग बनाएंगे चॉकलेट मार्बल केक, जो कि अम्मी बनाना सिखाएंगे, बट उन्होंने कहा कि इंग्रेडिएंट्स जो है ना तुम खुद ही शेयर कर दो आसानी से। साथ में जी हमने ले लिए हैं, बहुत ही सिंपल और इजी है, 2 कप मैदा ले लिया है, 1 कप ले लिया है हमने ऑयल, और 1 कप ले लिया है दूध और चीनी 1 कप, साथ में 2 सबज इलायची, इन तीनों को अच्छे से हमने कर लिया है ब्लेंड। बेकिंग पाउडर ले लिया, कितना ऐड करेंगे हम आपके साथ शेयर कर देंगे। साथ में जी है हमारे पास स्पेशल जो है कोको पाउडर, ये हम इसमें करेंगे ऐड, साथ में 4 एग मैंने ले लिए हैं। चलें जी इन सब चीजों को हम करते हैं मिक्सिंग, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। शूम मैदा हमने कर दिया इस बड़े से बाउल में ऐड, साथ में मतलब कि हाफ से थोड़ी सी अब ज्यादा ले लेंगे हम, ले लेंगे जी बेकिंग पाउडर, इसमें कर दिया हमने ऐड, थोड़ा हमारा प्लान बन गया कि हम और करते हैं बेकिंग पाउडर, मैदा जो था हमने अच्छे से कर लिया था मिक्स, साथ में हम जी इसमें एग ऐड कर देंगे अच्छे से फेंट फांट के, इसको हम फेंट लेंगे अच्छे से दोबारा। और ज्यादा जो मेरी केक रेसिपी होती है ना मलक वाला की,
देखने को मिलती है आपको, क्योंकि अम्मी को केक जो है ना बहुत ज्यादा पसंद है, बनाने का शौक भी बहुत है जी। वो मैंने सारे इसमें ऐड कर दी है, अब हम इनकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ऑयल जो है 1 कप ये भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, चलो दूध चीनी और सब्ज़ इलायची जो थी ये भी हम इसमें इसका सारा मिक्सचर जो है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि अच्छे से जो है ना मिक्सिंग और बाइंडिंग और हर चीज जो है ना साथ साथ हो जाएगी। फेंट लेंगे हम इसको अच्छे से। ठीक है, चम्मच हम निकाल देते हैं क्योंकि काम बहुत ज्यादा खराब कर रही है। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। हमने क्या किया है जी, सबसे पहले हमने स्प्रेड कर लिया है ऑयल, ऊपर हमने मैदा जो है अच्छे से स्प्रेड कर लिया, ताकि अब देखिए हर तरफ ही लगा हुआ है, कहीं से भी आपका केक नीचे नहीं लगने वाला बिल्कुल भी। जो ये मिक्सचर बनाया था सारा अच्छे से ब्लेंड कर लिया था हमने, इसको फेंट लिया था, तो वो थोड़ा निकाल के हमने अंदर 1/2 टीस्पून जो है ना हमने कोको पाउडर की ऐड की है अपने केक को शेप देने के लिए कि अच्छा जो है चॉकलेट शेप में आ जाए। ठीक है, ये हमने बना ली है। अभी जो है ना ये क्या करना है ये मम्मी आपको बताए। एक हमने विदाउट जो मटेरियल था हमारा कोको पाउडर, पहले हम वो ऐड कर लेंगे, ये जो इसको पंजाबी में कहते हैं पवा। ठीक है, अब ये ऐड कर लें या कोई और चीज ले लें, कोई और ऐसा बर्तन ले लें जिसे आप स्प्रेड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 or 3 हम लोग ले लेंगे, और साथ में इसको हमने करना है अच्छे से स्प्रेड कि अच्छे से हो जाए, केक आपका नीचे नहीं लगने वाला इस चीज की आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और साथ में जो अब हमने कोको पाउडर वाला बनाया हुआ था केक को ना डिफरेंट टच देने के लिए हमने ये चीज ऐड की है। ठीक है, अब हम ये ऐड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कोई आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी किसी किस्म की भी। ये देख लें जी, माशाल्लाह से स्प्रेड कर लेना है। 3 हमने ले लिए हैं चमचे उसके दूसरे के, और 2 हमने ले लिए कोको पाउडर के। चल दोबारा अगेन एंड अगेन ये हम करते रहेंगे जब तक ये हमारा मटेरियल खत्म ना हो जाए। हमारी ऐसी सेटिंग हो गई है कोको पाउडर और दूसरा जो था मटेरियल हमने कर दिया था, और अब इसको हम सिंपली उठा के बड़ी आराम सुकून प्यार से जो है ना फ्लेम पे रख देंगे, और आंच हमने आहिस्ता रखनी है कि अंदर से अच्छे से गल जाए। प्रेशर कुकर जो है अभी कर रही है बंद, मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। देख लें आप कितने मिनट के लिए इसको करना है बंद, 1 घंटा पूरा जो है ना ये बनता है बिल्कुल दम वाला फ्लेम हो, कम फ्लेम जो है वो हमने रखना है थोड़ा। फाइनली जो है हमारा केक रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं जी इसकी फाइनल लुक, और बहुत ही गर्म है, अम्मी ने फौरन जो है ना निकाल के दे दी है। खुशबू कितनी मजे की, बहुत मजे की खुशबू है सच में यार, बहुत ही मतलब डिफरेंट सी है। अच्छा मैं आपको ना मतलब चेक करा देती हूँ कि अंदर से कैसा है और कैसा बना है इसकी, अपना किनारियां चेक कर लें। ठीक है, ये तो ना थैंक यू, इस हैप्पी बर्थडे पे बुला रहे हैं मुझे, चबक कर रहे हैं बहुत ही चलाक है कसम में बहुत ज्यादा, बंदा चलाक नहीं होता तो वो जनाब है। ये देखें जी कितना बनाई थी ना, उसका कलर बड़ा मजे का, किस कदर खूबसूरत कलर है, ये देखें जी बहुत ही मजे का है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मजे का है। चलें जी अभी हम लोग ये खाएंगे और उसके बाद बाकी के व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे। कभी कभी इतना सुकून मिलता है ना कि कोई बंदा मालिश कर दे, और खुशी तब जब अम्मी मालिश कर रही हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अम्मी का और अपना मोस्ट फेवरेट, जो कि हम काफी ज्यादा अरसे से जो है ना यूज कर रहे हैं, चिल्टन प्योर का रैपुंजल हेयर ऑयल। ठीक है, इसके काफी 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 ज्यादा बेनिफिट्स है। कुछ मंथ पहले मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी अपने बालों की, मुझे कटिंग करानी पड़ी थी, वजह ये थी कि बाल बहुत ही छोटे हो गए थे। ठीक है, अभी आप बालों की ग्रोथ देख सकती है मेरी, माशाल्लाह काफी ग्रो की है, और हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा अच्छे बाल मेरे ही थे। फिर पता है जब इसके किसी के अच्छे बाल हो सबकी नजर लग जाती है, हाय अल्लाह उसके बाल कितने सोने थे लंबे, बस कुछ ऐसे ही हो गया। तो अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो आपके हेयर ग्रोथ जो होती है उसको बूस्ट देता है, जितने आपके डैमेज हेयर है उनसे आपको करता है रिपेयर, आपके बालों का जो वॉल्यूम है उनको अच्छा हो जाता है, और जो आपके बालों का मेन ये प्रॉब्लम होता है कि बाल 2 मुए हो गए हैं उस आपको जी ये खत्म कर देता है। और बहुत ही नेचुरल जो है इंग्रेडिएंट से रेडी किया गया है, 100% प्योर है, मैंने यूज किया हुआ है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ इसका। ठीक है, जल्दी से जाए आप ऑर्डर करें, आपने इसका अच्छे से मसाज करना है और लगा के छोड़ देना है। ठीक है, सारी रात लगा रही सुबह के उठ के आप शावर ले लें, आपके जितने हेयर है वो स्मूथ और सिल्की भी हो जाएंगे। तो चले जी अब मैं अपना रख रही हूँ,
और हाँ इधर मेरा दो ना, ये मैं तो ये खुद यूज करती हूँ अम्मी जी। हाँ ये तो मेरे दे दी थे मुझे, ये तो मेरा है। आई अपना अपना, ये देखिए रिश्ते खून सफेद हो गए, इधर चेक कर ले बिल्कुल जनरल लड़ाई नहीं। इतना अच्छा इससे मेरे अपने बाल बहुत अच्छे हो। नहीं बाकी ये तो अम्मी के बालों की जो है ना माशाल्लाह से ग्रोथ काफी होगी है, तो मैं चाहती हूँ कि इतनी अच्छी चीज मैंने यूज की है आप क्यों ना जल्दी से आप इसको ऑर्डर करें, और आप मेरा जो कोड है 10fizza यूज कर सकते हैं और जल्दी से जाए ऑर्डर करें। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दूंगी, सो मस्ट गो। और वीडियो यही तक थी, मैं जो है ना अम्मी जी अब्बास अब मैं थोड़ी कंगी कर लूंगी, और वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी आपको, होप सो कि आपने एंजॉय की होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।